हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक्नो स्टार्टअप की वीडियो। आज मैं करूंगा पबजी गेम प्ले टेस्ट हमारे टेक्नो स्पार्क 7 का। अब ये फ़ोन टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के साथ ही लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की वजह से इसको इतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन अगर इसकी प्राइस देखी जाए, इसकी स्पेसिफिकेशन देखी जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल फ़ोन है। यहाँ पर आपको 4GB 64GB का वेरिएंट मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर मिलता है और 6000mAh बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर गेमर्स के लिए काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि पबजी में आपको ये फ़ोन कैसा एक्सपीरियंस देता है और यहाँ पर आपको जो पबजी है वो कैसा खेलने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों, बात करूँ सबसे पहले इसकी प्राइस की, तो ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में 20,000 रुपीज़ में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको लोकल वेब में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, अराउंड 19,000 के अराउंड अबाउट ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर जो मिलता है वो अराउंड 1,71,000 तक का मिलता है, जो कि इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G70 4GB 64GB का वेरियंट मिलता है, जो कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस में इसको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म बनाया जाता है, क्योंकि इस प्राइस में ज़्यादातर आपने देखा है कि मीडियाटेक हीलियो G35 G25 या आपको हीलियो P35 तक मिलते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं हैं। अब मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको एक 6000mAh की बैटरी मिलती है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अभी बैटरी है वो 65% है। तो देखते हैं कि कितनी बैटरी ड्रेन करता है ये। और यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन है वो मैंने 50% पे जो ब्राइटनेस है वो मैंने 50% में रखी हुई है। यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं आप जो व्यू एंगल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं डिस्प्ले के। और यहाँ पर सबसे जो सैड बैक है इस फ़ोन में वो ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको फिज़िकल स्पीकर नहीं मिलता, मतलब कोई भी स्पीकर ग्रिल नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कहीं भी स्पीकर ग्रिल नहीं है। स्पीकर जो है वो माउथ पीस में से आता है, यहाँ से जो स्पीकर का वॉल्यूम आता है, जिसकी वजह से इसका जो स्पीकर है वो इतना अच्छा नहीं है। ये कहूँगा कि इसका जो बिग कॉन है वो यही है कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो माउथ पीस के अंदर है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीकर का जो साउंड है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो आपको बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती और स्पीकर की जो लाउडनेस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको साउंड कम कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है ग्राफिक्स दिखा देता हूँ इसके। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, ग्राफिक्स में जाके आप देख सकते हैं कि स्मूथ पे अल्ट्रा है, बैलेंस पे अल्ट्रा है और HD पे हाई। अब हम सबसे पहले स्मूथ पे अल्ट्रा पे यहाँ पर जो है गेम प्ले करेंगे। मैं ज़रा इसको स्मूथ पे अल्ट्रा पे गेम प्ले करेंगे हम और देखते हैं कि इसमें जायरो की सपोर्ट है कि नहीं है। वैसे आई डोंट थिंक चूँकि होगी, दिस डिवाइस डजंट सपोर्ट दिस फीचर, तो भाई नहीं है जायरो की सपोर्ट। और लेट्स सी, सबसे पहले हम TDM खेलते हैं, देखते हैं कि TDM में हमें कैसा गेम प्ले मिलता है। सर दोस्तों, गेम के अंदर हम इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखने की ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले कलर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, जिसमें व्यू एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो ही मुझे ठीक लग रहा है, ऐसे कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न जो होगा वो सिर्फ स्पीकर का है। इसके अलावा गेम पे हम चेक करते हैं कि आपको कितना जो है लैग मिलता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो फायर कनेक्टिविटी है वो भी आपको ठीक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनिमीज़ हैं उनको मैंने आराम से किल किया अभी, और यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। सो भाई, ये तो हम अच्छा नहीं खेलते, लेकिन यहाँ पर जो गेम प्ले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप स्मूथ पे अल्ट्रा पे जो गेम प्ले मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी फ़िलहाल जो है कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसे लैग देखने को नहीं मिल रहा, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फायर कनेक्टिविटी भी अच्छी लग रही है, डिस्प्ले कलर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी तो यहाँ पर जो गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मतलब अगर आपको जो है एनिमीज़ के जो फुट स्टेप हैं उनको जो है वो सुनना है, तो आपको हैंड फ्री के साथ इसमें गेम प्ले करना पड़ेगा, जब आपका जो गेम प्ले है वो ठीक से हो पाएगा। स्पीकर पे आप यहाँ पर गेम प्ले करना मुश्किल हो जाता है।
और यहाँ पर जो फायर कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। अगर मैं इसको 20,000 रुपये की डिवाइस है ये, और 20,000 रुपये से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच रिस्पॉन्स है, फायर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली। मीडियाटेक हीलो G70 वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है, ये एक जो है अगर हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं मीडियाटेक हीलो G35 G25 से, तो उनसे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट बन जाता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर गेम प्ले तो ठीक देखने को मिल रहा है, हम ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़े सामने वाले किल कर देते हैं वरना हम जो है वो हार जाएंगे। सो भाई यहाँ पर जो अब तक मुझे फ़िलहाल एक भी लैग देखने को नहीं मिला है, कोई भी यहाँ पर जो है SH लैग नहीं है, ना मुझे यहाँ पर कोई पिंग ड्रॉप देखने को मिला है, नेटवर्क बिल्कुल सही काम कर रहा है, देख सकते हैं पिंग बिल्कुल ठीक आ रही है, जबकि मैं अपने वाईफाई राउटर से थोड़ा दूर हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पिंग है वो बिल्कुल ठीक देखने को मिल रही है, पिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब जो नेटवर्क है जो वाईफाई के बैंड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर जो है काम करते मिल रहे हैं। इसके अलावा भाई मैं पहले ही बता दूँ कि मैं तो एक नूब प्लेयर हूँ, यहाँ पर कोई मुझे इतना अच्छा खेलना नहीं आता, शौक के खेल लेते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो अब तक फ़िलहाल जो लैग है मुझे देखने को नहीं मिला, 40 FPS से गेम प्ले जो है बिल्कुल ठीक से हो रहा है फ़िलहाल। और यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है हमें। और भाई हम हार गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो गेम प्ले है वो अच्छा देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा इस पे क्लासिक पे थोड़ा खेलते हैं, क्लासिक खेलते हैं, देखते हैं क्लासिक पे हमें कैसा गेम प्ले मिलता है। बात करूँ बैटरी की तो भाई 64% बैटरी हो गई है, 65% हमने स्टार्ट किया था, 64% बैटरी हो गई है, और सच बताऊँ तो डिवाइस अभी बिल्कुल भी हीट नहीं हुई है, यहाँ पर मुझे हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब हम कुछ लिविक पे खेलते हैं क्लासिक, देखते हैं कि लिविक में ये जो है कैसा गेम प्ले देता है हमें, और मैं यहाँ पर यूरोप सर्वर पे खेल रहा हूँ, लेट्स सी लिविक पे गेम में जाके मिलते हैं। सो दोस्तों लॉबी में हम आ चुके हैं लिविक पे, और यहाँ पर लिविक के जो मैप के कलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, देख सकते हैं जो ग्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इसके अलावा जो कलर्स हैं वो डार्क नहीं हो रहे, ज़्यादातर हमने फ़ोन में देखा है इस प्राइस के कि कलर्स जो हैं वो डार्क हो रहे होते हैं, लेकिन कलर डार्क नहीं हो रहे, कलर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, और व्यू एंगल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है इस पर, एक ग्लास प्रोटेक्टर, तो ग्लास प्रोटेक्टर लगने के बावजूद यहाँ पर जो व्यू एंगल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेन के कलर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो मैप है वो अभी फ़िलहाल अब तक जो है वो विजिबल नहीं है, लेट्स सी यहाँ पर हम जो है उतरते हैं, पर उतरने के बाद देखते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लाउड्स के कलर हैं, जो आसमान के जो ब्लू कलर हैं वो बिल्कुल जो है परफेक्टली आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्राफिक्स का कोई इशू आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब हम उतर रहे हैं तो इस टाइम पे भी यहाँ पर मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई भी लैग नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं कि जो टच का रिस्पॉन्स है वो भी ठीक ठीक है, वरना ज़्यादातर हमने फ़ोन में देखा है इस प्राइस के कि टच में जो है इशू कर रहा होता उतरते हुए। सो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले गेम को स्टार्ट करते हैं, और अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे कोई लैग यहाँ पर नहीं मिल रहा है अब तक, गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं जो कलर्स हैं मैप के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो टेक्नो ने अच्छे वाला लगाया हुआ है, तो उसी वजह से जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं ज़्यादा खेल पाऊँ क्योंकि आसपास आई थिंक एनिमीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेट्स सी, लेकिन देखते हैं। अब तक फ़िलहाल ऐसेज कोई भी लैग या जिटर वगैरह देखने को नहीं मिला है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
तुमने भाई एक बंदा तुमने किल कर दिया है। आप देख सकते हैं जब मैं उसके पास गया था, जब भी मुझे SH को भी लैग देखने नहीं मिला, वरना जब भी एनिमीज पास होते हैं तो आपको ज़्यादातर लैग देखने को मिलता है, वरना यहाँ पर SH को भी एनिमीज के पास होने पे भी SH मुझे कोई लैग या ड्रॉप देखने को नहीं मिला, फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। अब 40 FPS का गेम पे ले ये फ़ोन ठीक से कर रहा है, वरना अगर FPS ड्रॉप हो रहा होता है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा तो भाई हमारे दोस्तों को हमारी ज़रूरत है अब, तो हम थोड़ा यहाँ पर जो है देख लेते हैं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा छुप के रहते हैं, जब वो बाहर निकले तो मारें। यप आई एम कमिंग। सो यहाँ पर हम जो है जाते हैं, थोड़ा पीछे से जाते हैं, पीछे भी कोई और है। लेट्स सी, थोड़ा पीछे से जाते हैं और पीछे से कोशिश करते हैं उनको मारने की। वैसे यहाँ पर SH कोई भी मुझे लैग देख नहीं रहा अब तक, बहुत ही जो गेम है वो स्मूथ चल रहा है अब तक, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और हमें किसी ने मार दिया है, DPS ने मारा है। सो गेम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है, यहाँ पर मैप के कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बात करूँ बैटरी की तो 63% बैटरी हो गई, सिर्फ 2% बैटरी ड्रेन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर वो 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिलती है, तो बैटरी आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं एरेंगल में, और एरेंगल में खेलते हैं एक मैच, देखते हैं कि एरेंगल में हमें कैसा गेम प्ले मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर हम लॉबी में आ चुके हैं हमारे एरेंगल की। अब यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर भी ठीक है, जो मैप के कलर हैं वो अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, और जो जैसे कि जो आसमान के कलर हैं, जो बादल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। मैं स्पीकर बंद कर देता हूँ इसका, और देख सकते हैं कि जो जो प्लेन के कलर हैं वो भी ठीक ठीक देखने को मिल रहे हैं हमें। और यहाँ पर जो पूरा मैप है आप देख सकते हैं कि जो वीडियो रेंडरिंग है वो भी ठीक है, कलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कहाँ पर उतरना है, हम पोचिंग की उतर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो है जस्ट हमें चेक करना है कि जो इस मैप पे कलर हैं वो कैसे मिले, क्योंकि लिविक में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले था हमारा, लेकिन देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो एरेंगल है वहाँ पर कैसा गेम प्ले मिलता है। तो हम यहाँ पर उतर जाते हैं। अब जब तक हम उतर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैप है उसकी रेंडरिंग कैसी हो रही है, और यहाँ पर अब तक जो मैप है वो फ़िलहाल जो है विजिबल नहीं है, देखते हैं कि हमें मैप कब तक विजिबल होता है। और यहाँ पर जो कलर्स हैं डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वीडियो का डिस्प्ले का जो व्यू एंगल है वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हम यहाँ पर जो है पोचिंग की तक पहुँच जाएँ बस, बाकी तो सब खैर है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग एरेंगल पर खेलते हैं, और एरेंगल के जो मैप के जो कलर्स हैं यहाँ पर वो ठीक ठीक देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ पर हम जल्द से जल्द जो है उतर जाते हैं। ऐसे मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा, जो 40 FPS का गेम पे ले वो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ से चल रहा है, वरना FPS जब भी जो है ना जो आपका FPS है वो डाउन होता है तो आपको जो गेम है उसमें लैग देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐसे कोई भी मुझे लैग अब तक देखने को नहीं मिला है गेम में। तो टेक्नो ने इस मोबाइल जो मीडियाटेक हीरो G70 है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, और यहाँ पर आपको जो कलर्स हैं डिस्प्ले के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे यहाँ पर इस फ़ोन में कोई भी इशू मुझे नहीं लग रहा। तो भाई यहाँ पर मैंने दो जो है वो किल कर दिए हैं, और यहाँ पर जब मेरे पास सामने एनिमी थे जब भी मुझे ऐसे कोई भी लैग फील नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि एनिमी को हमने आराम से किल कर दिया, और हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इशू जो है ना फेस करने को नहीं मिला ज़रा भी, क्योंकि यहाँ पर हमें
जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है। ऐसा कोई भी यहाँ पर मुझे फ़िलहाल तो लैग नहीं मिल रहा, और डिस्प्ले कलर्स वगैरह भी ठीक हैं, टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है। थोड़ा तो दिल करके चेक करते हैं। और जो सर जो कर्सर है उसमें भी यहाँ पर ऐसे इशू नहीं आ रहा, वरना ज़्यादातर जो कर्सर होता है वो एक जगह पर ना स्टक हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी इशू नहीं है कर्सर में भी। तो यहाँ पर हमने एक बंदे को क्लिक कर दिया। तो भाई हमने दो बंदों को किल कर दिया यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं डिस्प्ले के, और यहाँ पर जब भी मेरे सामने एनिमीज होते हैं तो ये फ़ोन लैग नहीं करता, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमीज किल करने में हमें कोई भी यहाँ पर इशू नहीं हो रहा, और हम यहाँ पर 4 ऑलरेडी एनिमीज किल कर चुके हैं। और यहाँ पर एक बोट भाई भी हमें दूर से मार रहे हैं, तो हम दूर की फायर कनेक्टिविटी ज़रा इसकी देख लेते हैं कि दूर से जो वायर की फायर कनेक्टिविटी है वो कैसी देखने को मिल रही है। तो हमें किसी बंदे ने मारा है अभी, तो हम छुप जाते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें जो है किसी ने मार दिया है। सो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बैटरी देख रहे हैं, तो 62% बैटरी हो गई है, ठीक है। 65 हमने गेम पहले स्टार्ट किया था, 62% की बैटरी हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ये फ़ोन अब तक हीट नहीं हुआ है, जबकि मैं विदाउट फ़ैन वाले रूम में बैठा हुआ, यहाँ पर कोई एसी भी नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये फ़ोन ज़रा भी हीट नहीं हुआ, जो कि अपने आप में एक मिरेकल ही है। क्योंकि ज़्यादातर जो मिड रेंज हीलो G70, G80 या G85 वाले फ़ोन होते हैं वो हीट ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई मुझे हीटिंग इशू नहीं मिला। और जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम ड्रेन हुई है, जो व्यू एंगल है डिस्प्ले का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर जो गेम प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है हमें। सो दोस्तों ये था आज की कंप्लीट रिव्यू हमारे Spark 7, टेक्नो Spark 7 का। आपको कैसी लगी आज की वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।